अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फिर से उसी तरह से जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया, एक ग्राफ ड्रा किया, वहाँ से हमने सारी डेरिवेशन की, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम उसी तरह से कुछ काम करेंगे। याद रहे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम जो कंसिडरेशन है, जो कंसिडर करेंगे, वो क्या कंसिडर करेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, हमारा जो जिस्म है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ भी आपने सबसे पहले पॉइंट लिख लेना है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इस हमारे आगे इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ। सो कंसीडर ये कीजिएगा, जो हमने फर्स्ट में भी किया था वो क्या किया था हमने, कि क्या है जी बेटे सिचुएशन, सिचुएशन ये है कि कोई बॉडी है, फर्ज करें मैं कोई देख लेता हूँ, ह्यूमन बीइंग है, कोई बंदा है, जो क्या कर रहा है, इनिशियली वी आई वेलोसिटी से मूव करता हुआ हमने देखा, हमारे पास से गुजरा। कुछ वक़्त के बाद, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होके उसने तेज़ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, उसने तेज़ मूव करना शुरू कर दिया, उसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होके क्या हो गई, वी एफ हो गई। इस दौरान उसका एक्सेलरेशन जो था, वो एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। वो बॉडी कंटिन्यूसली अपनी एक ही वक्त के अंदर, एक जितने वक्त के अंदर, एक जितना वेलोसिटी में बढ़ाव था, बढ़ रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी एक जितने वक्त के अंदर, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। आइए इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ क्या है जी, दो चीज़ों के दरमियान, किस किस के दरमियान जी, एक टाइम और दूसरा स्पीड या वेलोसिटी। टाइम को हम किस तरफ लेंगे जी, टाइम को किस तरफ लेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ, और स्पीड या वेलोसिटी हम किस तरफ लेंगे, वाई एक्सिस की तरफ। फर्ज कीजिए ये जो जगह है, ये इसका ओरिजिन है, ये आगाज़ है, ये नुक्ता आगाज़, वो बॉडी रेस्ट में तो थी नहीं, वो शुरू से ही बेटे वो वेलोसिटी क्या कर रही थी, वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही थी। थोड़े ही वक्त के बाद कहाँ पहुँच गई, वी एफ वेलोसिटी पे। इस दौरान उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन की, एक्सेलरेशन उसका इस मोशन के दौरान क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको ज़रा मिला दीजिए वाई एक्सिस के साथ भी, इसी तरह से हम इसे एक्स एक्सिस के साथ भी मिला लें, इसी तरह से यहाँ से मिला दीजिए। आप इस ग्राफ को नाम दे लीजिए, जैसे पिछली फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया था, वो क्या होंगे जी बेटे, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी क्या है, वी आई, यहाँ नाम क्या देंगे ए, इस जगह नाम क्या था बी, इस जगह नाम क्या था सी, यहाँ पे नाम था टी। अब इस इक्वेशन के अंदर बेटे, पहले तो हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे, असल में ये जो इक्वेशन है इसमें हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम करनी है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम बॉडी जितना अपने आगाज़ से लेके अख्ततम तक, या जहाँ तक हमने उसे देखा है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, असल में हमारा जनरली जो हमारा मकसद है वो ये है, डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना। तो सबसे पहले हम इसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो लिख लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। यहाँ से ज़रा बताइए ओडी किसके बराबर नज़र आ रहा है, ओडी और ओडी किसके बराबर है, ए सी के, और ये दोनों चीज़ें किसके बराबर हैं, पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दोनों किसके बराबर हैं, टी के। इसी तरह सी डी और ओ ए क्या दिख रहे हैं हमें, ओ ए और सी डी किसके बराबर हैं, वी आई के। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमने आगे डेरिवेशन में इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। इसी तरह से बी डी, बी डी, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक जो वैल्यू है, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू वी एफ। अच्छा, पिछली इक्वेशन में हमने बेटे क्या किया था, बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड की थी, बी सी की वैल्यू कैसे आई थी, बी डी हमने अज्यूम किया था कि बी डी किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी, यहाँ से बी सी क्या निकला था, बी डी माइनस सी डी, सीधा कर लीजिए, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू यहाँ पे है वी एफ, सी डी की वैल्यू यहाँ पे है वी आई, इसका मतलब हमें बी सी की वैल्यू भी पता चल गई। ये सारी वैल्यूज़ हमने अभी इन्हें यूज़ करना है, इसलिए ये हमारे लिए बड़ी
ज़रूरी कीमतें हैं, इन्हें नाम ले लीजिए, अभी इन्हें इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे। आगे बढ़िए जी, ये कुछ वैल्यूज हमने इस ग्राफ से ले ली। अच्छा, अब हमें ये जानना है कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो इस ग्राफ के अंदर बेटे हमने पढ़ा है स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जितना शेडेड रीजन होता है, जितना प्रोजेक्शन बनता है, जितना साया बनता है, वो बेसिकली हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो ज़रा देखिए ये जो शक्ल हमें दिखाई दे रही है, इसके अलावा ये इस डायग्राम के नीचे जो साया बनेगा ये क्यों नहीं, क्योंकि साया तो नीचे की तरफ है, प्रोजेक्शन तो नीचे की तरफ है, शेडेड रीजन तो नीचे। तो यहाँ से शुरू कीजिए, ये जो सारा प्रोजेक्शन है वो हमें बॉडी की क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो चलिए इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम, क्या करेंगे जी। अब बताइए बॉडी का हमें क्या जानना है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें कौन सी डायग्राम चाहिए होगी, ओ ए बी डी के नीचे जितना साया बनेगा वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल, इसका मतलब एरिया अंडर, किसके अंडर, ओ ए बी डी, इससे क्या मिलेगा हमें, इससे क्या मिलेगा, इधर लिख लेता हूँ, क्या मिलेगा इससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल को किससे ज़ाहिर करते हैं, एस के साथ। अब ज़रा मुझे बताएं ये जो पूरी डायग्राम है इसके अंदर दो शक्लें दिखाई दे रही होंगी, दो फिगर्स नज़र आ रही है, एक ट्रायंगल दूसरी रेक्टेंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और रेक्टेंगल का नाम क्या है, ओ ए सी डी। अगर मैं इनके अलहदा अलहदा से इनके एरियाज फाइंड कर लूँ, क्योंकि शेडेड रीजन मालूम करने का क्या तरीका है, एरिया मालूम कर लिया जाए। अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल कर चाहते हैं तो इनके नीचे शेडेड रीजन हो, शेडेड रीजन क्या बनता है, एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया जमा कर लिया जाए तो यहाँ से लेके जितना इसने फासला कवर किया है वो पता चल जाएगा। इसका मतलब मैं पूरी डायग्राम को दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इनको दोनों को जमा कर लूँगा, डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल बेसिकली किसके बराबर है, एस किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस क्या आएगा, एरिया ऑफ ओ ए सी डी। अब मुझे बताएं ये ट्राइंगल है, इसके एरिया निकालने का तरीका हमें आता है क्या, कुलिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना आता है हमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो दोनों के एरिया तो निकालना आते हैं। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दीजिए, इनकी वैल्यू, इसकी लहदा से वैल्यू, इसकी लहदा से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ ला के पुट कर देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ड्राइव हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ए बी सी निकालते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, क्या फार्मूला है बेटे एरिया ऑफ ए बी सी निकालने का, 1/2 इंटू बेस, क्या है बेस इस डायग्राम के अंदर, ए बी सी डायग्राम के अंदर बेस क्या है, ए सी, 1/2 इंटू ए सी, और हाइट क्या है, बी सी। अब ज़रा देखिए आप समझ आ रही होगी, ये जो वैल्यूज़ मैंने पहले निकाल रखी हैं यहाँ यूज़ हो जाएंगी, लाइए इनकी वैल्यूज़ लाइए, ए सी की वैल्यू कहाँ पर, ये देखिए ए सी की वैल्यू डायग्राम से पहले कैलकुलेट कर ली, बी सी की वैल्यू ये रही, क्या है जी, वी एफ माइनस वी आई। अब मुझे बताएं ये वी एफ माइनस वी आई फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये बी सी किसके बराबर आया था, ये किसके बराबर था, ए टी के, यहीं से हमने फर्स्ट इक्वेशन की थी ना, इसको यहीं रहने दिया यहाँ पे। इसका मतलब जहाँ पे वी एफ माइनस वी आई लिखा हो वहाँ हम बेसिकली क्या दर्ज कर सकते हैं, ए टी दर्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए वी एफ माइनस वी आई आ गया, तो इसकी जगह मैं रिप्लेसमेंट में क्या कर सकता हूँ, ए टी दर्ज कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ए बी सी। अब किसकी बात, किसकी बारी है जी, एरिया ऑफ, क्या नाम है जी डायग्राम का, ओ ए सी डी। तो बेटे ओ ए सी डी रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, और मुस्ततील का एरिया कैसे निकलता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई का नाम ओ डी, चौड़ाई का नाम ओ ए, कोई भी ले लें इनमें से, ओ डी ले लें, ए सी ले लें, ओ ए ले लें, या सी डी ले लें, ये देखिए लिखा हुआ हमने ओ ए सी डी बराबर है, और इसी तरह से ओ ए सी बराबर है जी।
तो क्या करूंगा, क्या फार्मूला है, लंबाई का क्या लिख लूंगा OD और चौड़ाई के लिए क्या लिख लूंगा OA। वैल्यूज पुट करें, OD सिंपली T है और OA क्या है VI। तो क्या बन गया VI इनिशियल वेलोसिटी इनटू T। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये दोनों वैल्यूज को हम कहाँ जाके दर्ज करेंगे, एरिया ऑफ ABCD की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और एरिया ऑफ OACD की जगह ये वैल्यू। तो बताइए हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या बन जाएगा, एस किसके बराबर आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा बेटे, हाफ AT² और इसकी जगह पे VIT। इसे रीअरेंज कर लीजिए तो क्या बन गया VIT प्लस हाफ AT². दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन। कितनी सिंपल सी है इक्वेशन, अब इसे बड़े ध्यान से करें तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम सिचुएशन कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद उसी सिचुएशन के लिए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बाद हम उस ग्राफ से वैल्यूज़ लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमें इस इक्वेशन के अंदर एरिया चाहिए, तो एरिया कैसे मिलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल कैसे मिलेगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, डिस्टेंस चाहिए ना, एरिया इसका कैसे निकलेगा, मैथ के अंदर हम सिंपली ये करते हैं 1/2 × बेस × हाइट, लेंथ इंटू विड्थ, वो मालूम किए, यहाँ ला के दर्ज किए डिस्टेंस ट्रैवल। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसी के बाद हाजिर होंगे इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मजीद वीडियोज़ के लिए हमारा लेक्चर ज़रूर, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।